जनपद की रिपोर्टिंग चौकी जैत से एक गोली चलाने और लगने का मामला सामने आया है, जिसमें अनिल चौधरी नामक युवक पर हाईवे पर गाड़ी सवार 4 से 5 लोगों द्वारा बंदूक से हमला कर दिया, जिसमें युवक के बाजू में गोली लग गई और इलाज के लिए उसको रिश्तेदार ने मथुरा के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल चौधरी ने बताया उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, इसी के चलते उसी पर यह हमला उसकी पत्नी के प्रेमी द्वारा किया गया है। जिन लोगों के द्वारा हमला किया गया उनमें से 2 व्यक्तियों को वह पहचानता है। अनिल चौधरी के द्वारा बताया गया कि वह गोवर्धन क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी पत्नी बुलंदशहर की रहने वाली है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और पुलिस घटना की जानकारी करने में जुटी हुई है। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। जी ये बताएं क्या घटना हुई आपके साथ में, क्या मामला पूरा बताएं। ऐसे आगे जा रहा था, करीब 4-5 किलोमीटर आगे था, गाड़ी आई, पीछे से 5 लोग थे, उसमें 2 को तो मैं जानता हूँ, 3 अज्ञात हैं, उनको पहचान नहीं कर पा रहा मैं। उन्होंने क्या है, कौन सी रेट की घटना है? जैसे करीबन 4-5 किलोमीटर आगे की, वो 4 किलोमीटर हुआ 5 किलोमीटर का। क्या आप पूरे कारण रहे हैं, कौन हो सकता है उसको? बाद में मेरी वाइफ का उसके साथ अफेयर है, मेरी वाइफ को दिल्ली रहता है, उसको मेरा आपका कोई व्यवहार देखा तो किया गया। मेरा क्या का सोसाइटी में, उसी की सोसाइटी में रहता था, मकान खाली करने के लिए कहा, उसने खाली नहीं होने दी। तो आपको यहाँ लाए किस हालत में लाए, कब लाए? मेरा क्या नाम है, साथ में ड्राइवर मान लो या रिश्तेदार मान लो, वो मुझे ले गया है। क्या चाहते हैं उस घटना में? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, बस यह है, जो मेरे पे होगा मैं कर लूँगा, नहीं होगा तो अपने घर बैठा हूँ। पुलिस प्रशासन से कुछ? पुलिस का तो हाथ जोड़ कर निवेदन है, कोई कार्रवाई करती हो तो हाथ जोड़ कर निवेदन है, अगर नहीं करना चाहती तो कुछ नहीं है। कुल मिला के मैं अपने घर आराम से हूँ, जो उसने किया अच्छा किया है मेरे साथ में। बस कौन से जगह रहने वाले हो? गोवर्धन का रहने वाला। और आपकी घर? मेरी वाइफ बुलंदशहर की है। वृंदा।